झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ में आज भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संजय मंडल की संयुक्त अध्यक्षता में सैकड़ों महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। यह आक्रोश रैली रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से चलकर गांधी रोड, स्वामी विवेकानंद चौक, रेलवे पश्चिम फाटक होते हुए सदर प्रखंड कार्यालय तक पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा एवं जिला भाजपा अध्यक्ष रामदर्स यादव मौजूद थे। भाजपा ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सह राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनविरोधी है, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव पूर्व जो भी वादा जनता से किया था आज ठीक उसका विपरीत कार्य कर रही है। जो प्रदेश के हालात है और जिस प्रकार से झारखंड में वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अराजकता का आज वातावरण हो गया है, आज प्रदेश के अंदर विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई है, प्रदेश के अंदर नारी उत्पीड़न की संख्या में हजारों की संख्या में हमारे महिलाएं उत्पीड़न के शिकार हो रही है, वहीं दूसरी ओर आज आपने देखा होगा कि साहेबगंज शहर के प्रत्येक सड़कों से चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये कार्यकर्ता सड़कों पर ये नारा लगाकर आ रहे थे कि गरीबों का जो मोदी जी आवास स्वीकृत किए हैं, आज वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया है। आज वर्तमान समय में किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो रघुवर दास जी की सरकार दे रही थी उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि अब जब आपदा आई, जब बाढ़ आया, सुखाड़ आया, आज किसान फटहाल है, किसान बदहाल है। मात्र 3,500 रुपया करके किसानों को भी गिने चुने किसानों को भुगतान हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखे होंगे कि हमारे नाविक भाई, हमारे नाविक जो बाढ़ आपदा में नाव चलाते हैं, दो दो बरस से उसका भुगतान नहीं हो पाया उन नाविकों का। एक तरफ सरकार जनता दरबार लगा करके गरीबों को राशन देने का, राशन कार्ड का झुंझुना थमा रही है और वही गरीबों को 3-3 महीना हो गया, आज गरीबों को राशन किसी भी राशन दुकानदार ने जिसको ग्रीन कार्ड बना करके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।